हे हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज बाय समरथ। गाइस, मैं आपके लिए एमसीक्यूज ऑन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर लेके आ गया हूँ, जो हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K सेक्शन है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज की टीम जो है, जैसे ही लॉकडाउन अवर होता है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफलाइन कोर्स, मीन्स कि ऑफलाइन कोचिंग हम देंगे। उसमें हम कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में हम टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ताकि आप सब लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ, एग्ज़ाम किस तरह का आता है JKSSB का, ताकि आप जब एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मीन्स की इतनी प्रैक्टिस हो गई हो कि आप एग्ज़ाम मज़े से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और अगर किसी को कुछ भी पूछना है, इंक्वायर करना है, हम अपना ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, तो आप वहाँ पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज का, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दिल से पढ़ाई करें। ठीक है, चलो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हमने बहुत मेहनत से बनाया MCQs। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट MCQs जो है, दैट इज़ द बलवंत मेहता कमेटी वॉज ए कमेटी ऑन, ये जो कमेटी थी किसके ऊपर बनी थी। ऑप्शंस आपके पास ABC और D। जो बलवंत मेहता कमेटी हमारी थी अपॉइंटेड इन 1957 में, दैट वॉज कमेटी ऑन कम्युनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बनी थी। और एक और बात बोलता हूँ आपको कि ये जो मैंने MCQs निकाले हैं ना, जो मेरा लास्ट लेक्चर था ना, सब उसी में से है। तो इसलिए जिसने लेक्चर नहीं देखा, वो प्लीज़ चैनल पे जाके मेरे जो हमारा इस सेक्शन का वीडियो है लेक्चर, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आपको फिर ये MCQs करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, और मैं इस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक, सेकेंड MCQ है, विच इज़ द फॉलोइंग कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सी कमेटी जो थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, आपको सब ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन यू हैव टू टिक द आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, और पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वैसे तो इम्पोर्टेंट सब है। तो आप एक MCQs का एक रजिस्टर लगा लो, जिसमें आप सारे MCQs तैयार रखो, जब ताकि आपको लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा उसमें रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन टू द विलेज पंचायत वॉज फिल्ड बाय, मीन्स कि कौन सी कमेटी या कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पंचायत को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई थी, कौन सी कमेटी ने की थी। उस कमेटी का नाम था LM सिंघवी कमेटी। ओके, एंड योर फोर्थ MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैड रिकमेंडेड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट। की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस रिकमेंडेशन को किस कमेटी ने दिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिकमेंड किया था। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, 9018091767। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर फिफ्थ MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट सजेस्टेड फॉर हैविंग इलेक्शंस ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑन द पॉलिटिकल पार्टी बेसिस। सो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शंस की बात कही गई थी पंचायत की, तो वो अशोक मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसने कहा था। सॉरी, और आपको पता ही अशोक मेहता कमेटी ने कितनी रिकमेंडेशंस दी थी, 132। ठीक है, देन
अशोक मेहता कमेटी 1977 रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच, ठीक है, तो इसमें अशोक मेहता कमेटी ने एक मीन्स की पंचायत में मंडल पंचायत को बनाने के लिए बात कही थी, रिकमेंड किया था, ओके okay? बाकी वाले ही ऑप्शन हैं इसके। सेवेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैज बीन लेफ्ट टू द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मीन्स की जो पंचायती राज एक्ट है 1992 73 अमेंडमेंट, उसमें हमारे पास जो एक्ट है देर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ मीन्स की जो पावर्स हैं जो भी हैं, उसमें हमारे पास कुछ कंपल्सरी प्रोविजंस हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी एंड मैंडेटरी है, ठीक है, तो ये उसी में से क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, बाकी जो है ऑल आर कंपल्सरी प्रोविजन, जैसे ऑल पोस्ट एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन प्रोपोर्शन इलेक्शंस, रिजर्वेशन अप टू 1/3 सीट फॉर वुमेन पंचायत, ये सब कंपल्सरी प्रोविजन है। ये जो बी ऑप्शन है दैट इज वॉलेंट्री प्रोविजन। एंड योर एथ एमसीक्यू इज पंचायती राज फॉर्म ऑफ रूलर लोकल गवर्नमेंट वॉज अडोप्टेड फर्स्ट बाय, सबसे पहले किसने किया था, फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, थर्ड सीज राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो फर्स्ट टाइम जो पंचायत राज फॉर्म को अडोप्ट किया था सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने किया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया था, ओके। राजस्थान ने 1959 में अडॉप्ट किया था, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट थी, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है 1959 में। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजंस फॉर पंचायत हैज बीन मेड, तो जो हमारा 73rd अमेंडमेंट है उसने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है तो प्रोविजन उसमें ऐड हुआ है, तो उसने हमारा जो पार्ट 9 है, ठीक है, वो उसमें ऐड हुआ है, ठीक है, और 11th शेड्यूल उसमें ऐड हुआ है, ओके। पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजाइसी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो याद रखना जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इज ए सिस्टम ऑफ रूलर, ठीक है, रूलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। एंड योर नेक्स्ट वन इज द बुक ग्रास विदाउट रूट्स डील इंटरलिया विद, विदाउट का स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं, समझ आ गया आपको। तो जो बुक है ग्रास विदाउट रूट डील्स इंटरलिया विद, ये बुक किससे डील करती है, ये बुक डील करेगी प्रोग्राम्स प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एंड योर 12th एमसीक्यू इज द कंट्रोल आवर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल, तो कंट्रोल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे है वो तीनों तरह के हैं, इंस्टीट्यूशनल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है उनके पास, और टेक्निकल भी है। And your 13th MCQ is the election commissioner can be removed on the basis of whose recommendation? तो election state, जो state election commissioner होता है वो कौन remove कर सकता है, उसको remove means किसकी recommendation पे हम उसको remove कर सकते हैं, chief election commissioner की recommendation से हम कर सकते हैं। मैंने last lecture में आपको पढ़ाया था कि जो state पंचायत के elections हैं वो कौन करवाता है, state election commission specially appoint बनाई जाती है, प्रेसिडेंट उसको बनाता है, ठीक है, रिकमेंड करता है, और गवर्नर उसका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, ओके। और फ्रेंड्स आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम, बट हम कुछ एमसीक्यूज के हम पूरा एक जैसे सैम्पल पेपर होता है ना, अभी हम अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के ऊपर मोर देन 200 MCQs हम बना रहे हैं, और अगर आप वो 200 MCQs पढ़ लोगे ना, आपका अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग जो सेक्शन है 30 मार्क्स का है, तो उसमें आपके 25 मार्क्स
इसके 25 क्वेश्चन उसमें मजे से नहीं, 25 क्या यार, मैं तो कहता हूँ 99 तक आपके वो निकल जाएंगे, क्योंकि हम हमारी टीम जो है प्रॉपर वे में लगी हुई है MCQs बनाने के लिए, मतलब कि जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, तो हम वो पूरा जब हमारा सैम्पल पेपर जो भी होगा, जो भी हम वो तैयार कर रहे हैं, छोटा सा एक बुकलेट बना रहे हैं हम MCQs पे, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग पे, तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे वही जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है 9018091767, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम फर्दर जो भी डिटेल्स हैं हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है जम्मू में, उसके लिए भी हम आपको वहाँ पर बताएंगे। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम पूरा स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, योर 14th MCQ इज फॉर इलेक्शन कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, हु एक्ट्स एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। जो इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिटर्निंग ऑफिसर किसको बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जाता है। विच फैक्टर हैज़ बीन कैप्ट इन माइंड बाय द फिनांस कमीशन फॉर गिविंग द शेयर ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट्स। फिनांस कमीशन क्या ध्यान में रखती है टैक्सेस देने के लिए, किसको देने के लिए, स्टेट्स को। तो फिनांस कमीशन देखती है कि स्टेट का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। ठीक है, उस बेसिस पे फाइनेंस कमीशन जो है शेयर्स देती है टैक्सेस का। एंड योर नेक्स्ट MCQ इज आ गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है कौन अपॉइंट करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है, बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है सब है। ठीक है, ये चुन चुन के लाए हैं हमने। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अंडर आर्टिकल 243 ZD के अंडर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आता है, जो हमारे पंचायत के प्लान्स होते हैं और म्यूनसिपल के प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो वो अप्रूव कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी करती है हमारी। दिल से पढ़ाई करो यार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के ऊपर कौन सी कमेटी बनाई गई थी, हनुमंथा राव कमेटी। ये मैंने सब आपको जितने भी कमेटीज़ हैं मैंने सब आपको बताया था कि जितने भी कमेटीज़ हैं वो किसके ऊपर बिठाई गई थी, किसको रिपोर्ट करने के लिए वो बनाई गई थी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर देखना ज़रूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक टेरिटोरियल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो बेसिक टेरिटोरियल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वो कौन सा है, रेवेन्यू डिवीज़न, सब डिवीज़न, तहसील, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला एंड विलेज। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला जो है इज़ द बेसिक टेरिटोरियल यूनिट ऑफ स्टेट। एंड नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ, कौन सी स्टेट्स में 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, देखो नागालैंड है इसमें ऑप्शन है, मिजोरम है, जम्मू एंड कश्मीर है, मेघालय। आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें अगर जैसे ऑप्शन दिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, ए ऑप्शन, बी, 2 and 4, सी, 1 and 3, डी, ऑल ऑफ दीज। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये चारों स्टेट्स में अप्लाई नहीं किया जाता है। ओके, आपका जम्मू एंड कश्मीर में तो अलग ही पंचायत एक्ट है 1989। ओके, एंड नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वॉज क्रिएटेड एट यूनियन लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड ईयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो था इन जून 2000 में क्रिएट किया गया था। देन नेक्स्ट इज हु कंसोलिडेट्स द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत। ये मैंने अभी आपको बताया ऊपर, पंचायत और म्यूनसिपलिटी जो भी प्लान बनाती है उनको कंसोलिडेट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो अभी मैंने ऊपर बताया था अंडर आर्टिकल ZD। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9018091767। ओके फ्रेंड्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, आप मज़े से बिंदास हो गया, हमें टेक्स्ट मैसेज करो, जो भी वीडियोस चाहिए आपको हमें बोलो, वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल ऑन दिस JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। ओके गाइज, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।